अनुपातों में संबंध, अनुपातों में संबंध। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए यहां हमारे पास एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें कोण भी समकोण है। और कोण सी थीटा है। आप किसी समकोण त्रिभुज में उसके विचार करने वाले कोण के आधार पर जानते हैं कि जैसे कोण थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं, और यही सम्मुख भुजा जो है लंब भुजा के रूप में जानी जाती है। ये बीसी भुजा इसमें आधार भुजा होगी और भुजा एसी ये कर्ण भुजा होगी। तीन भुजाएं हैं और तीन अनुपात हमारे पास हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और हमको इन भुजाओं के आधार पे इन अनुपातों में संबंध देखना है। तो हम ये पहले देखें कि टेन थीटा को इसकी भुजाओं के अनुपात के रूप में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि टेन थीटा सम्मुख भुजा और आधार भुजा का अनुपात होता है। तो यहाँ टेन थीटा को हम लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी। और अब यदि हम यहाँ देखें साइन थीटा के बारे में, तो साइन थीटा जो है वह सम्मुख भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात होती है। तो इसको यदि हम अलग से लिख लें यहीं पर कि साइन थीटा अनुपात है इसकी भुजा ए बी और भुजा ए सी की। फिर ऐसे ही यदि हमें ये पता हो कि कॉस थीटा को हम और क्या लिख पा रहे हैं, तो कॉस थीटा के बारे में हम जानते हैं कि बी सी भुजा अर्थात आधार भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात जो है वो कॉस कहलाता है। तो यहाँ पर इस थीटा का जो कॉस है वो आधार भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात, जिसको हम लिखेंगे बी सी बटा ए सी। अब हमें टेन थीटा को ऐसे व्यक्त करना है कि वो साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में लिखा जा सके। तो यदि हम टेन थीटा से फिर शुरू करते हैं, ये तो हम जानते हैं कि टेन थीटा को इस रूप में लिख सकते हैं साइन थीटा को और एक कॉस थीटा को। वापस टेन थीटा पे जाए और देखें कि टेन थीटा बराबर है ए बी बटा बी सी। यदि इसमें हम ए सी का अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो देखें हम इसको किस रूप में लिख पाएंगे। ए सी का अंश में गुणा कर रहे हैं और ए सी का हर में भी गुणा कर रहे हैं। फिर इसमें यदि थोड़ा सा हम परिवर्तन करें और इसको इस रूप में लिखें, टेन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, और गुणा हो जाएगा ये ए सी बटा बी सी। अब यहाँ पे कुछ संबंध देखने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं साइन थीटा यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ए बी बटा ए सी, और यहाँ भी ए बी बटा ए सी आ रहा है, लेकिन कॉस थीटा यहाँ पर है बी सी बटा ए सी और यहाँ आ रहा है ए सी बटा बी सी। इसका मतलब है कि यदि हम इसको उलट दें, बी सी बटा ए सी यदि लिखा हुआ रहता तो हम उसकी जगह पे कॉस थीटा लिख सकते थे। टेन थीटा को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, और इसको भाग में ऐसा करें तो आप देखेंगे कि ए सी जो है वो नीचे चला जाएगा और बी सी ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकेंगे भाग के रूप में। तो गुणा को जब हम भाग में परिवर्तित करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो टेन थीटा को हम फिर अब इस ढंग से लिखेंगे, टेन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी और पूरे का बटा बी सी बटा ए सी, ये टेन थीटा के बराबर। अब आपने यहाँ पे देखा कि ए बी बटा ए सी जो है
वो है साइन थीटा, पहले हम लिख चुके हैं इसको, और बी सी बटा ए सी जो है वो कास थीटा है। तो हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं कि टेन थीटा जो है बराबर है साइन थीटा बटा कास थीटा के। इसका अर्थ ये हुआ कि टेन थीटा को हम साइन थीटा और कास थीटा के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ये टेन थीटा साइन थीटा और कास थीटा के बीच में संबंध है। कुछ और त्रिकोणमिति अनुपात। हमने देखा समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है के कोण सी बराबर थीटा के लिए लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा, लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। इन अनुपातों के व्युत्क्रम तीन और अनुपात हैं। त्रिकोणमिति में इन तीनों अनुपातों के नाम हैं कर्ण बटे लंब बराबर कोसेकेंट थीटा या कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, कर्ण बटे आधार बराबर सेकेंट थीटा या सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा, आधार बटे लंब बराबर कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। करके देखें, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो तो कॉट थीटा को भी साइन थीटा व कॉस थीटा के रूप में लिखें।